भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मध्य कुछ रेखाएं खींची गई हैं। वो रेखाएं हैं रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है, इससे संबंधित जो है यूपीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था और यूपीपीएससी मेंस परीक्षा में 2015 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इन रेखाओं से संबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक रेखा के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडक्लिफ रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेडक्लिफ रेखा किन देशों के मध्य खींची गई है, तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हो, यहां से यहां तक एक रेखा खींची गई है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा को निर्धारित करती है और उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो आइए समझते हैं, रेडक्लिफ रेखा या भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित करने वाली सीमा रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। याद रखना 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। तो उनका नाम था, उनका सरनेम था रेडक्लिफ, इसीलिए इस रेखा का नाम जो है रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। ये कब निर्धारित किया गया था, आजादी मिलने के बाद, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही थे। सन 1947 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो उस समय एक सीमा निर्धारित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है पाकिस्तान और भारत के मध्य, उस रेखा को हम लोग रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। दूसरा जो रेखा है मैकमोहन रेखा, तो आप मैकमोहन रेखा देख सकते हैं जो भारत और चीन के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रेखा जो है तीन अलग अलग हिस्सों में खींची गई है। यहां पर देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम वाले भाग में और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में। समझ में आ गया, तो मैकमोहन रेखा किसके मध्य खींची गई है, चीन और भारत के मध्य। चीन और भारत के मध्य जो रेखा खींची गई है उस रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। 1914 में ब्रिटेन के सर मैकमोहन द्वारा इस रेखा को भारत और चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। तो ये रेखा कब खींचा गया था, 1914 में। किसने खींचा था, ब्रिटेन के सर मैकमोहन ने खींचा था। किसके लिए खींचा था, भारत और चीन के सीमा निर्धारित करने के लिए खींचा था। समझ में आ गए, इस रेखा को चीन अस्वीकार करता है। तो ये जो रेखा खींची गई है, जो चीन है इस रेखा को नहीं मानता है। किसके कारण नहीं मानता है, क्योंकि यहां पर तिब्बत है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को जो है चीन अस्वीकार करता है। समझ में आ गया, आगे समझते हैं। अगला जो रेखा है वो है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा किसके मध्य खींची गई है, ड्यूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है। या आप ऐसे कह सकते हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारित करती है उस रेखा को हम लोग ड्यूरंड रेखा कहते हैं। तो आप भारत के मानचित्र पर देख सकते हो, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये ड्यूरंड रेखा है। समझ में आ गया, तो ये कब खींचा गया था, भारत के आजादी से पहले। समझ में आ गया, भारत के आजादी से पहले खींचा गया था। उस समय जो था पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो ड्यूरंड रेखा जो है आजादी से पहले निर्धारित किया गया था। तो आइए समझते हैं, ड्यूरंड रेखा, यह रेखा 1896 में कब खींचा गया था, 1896 में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य ब्रिटेन के सर मार्टिंगर ड्यूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था मार्टिंगर ड्यूरंड। मार्टिंगर ड्यूरंड के द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा निर्धारित किया गया था जिसे हम लोग ड्यूरंड रेखा कहते हैं। समझ में आ गया, जिसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है, इस रेखा को जो है अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है। समझ में आ गया, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।